वेल इन कुंडली भाग्य द कैरेक्टर ऑफ राखी बहुत ही पॉजिटिव मदर है और इमोशनल है, तो आज मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज देके आई सेड लेट मी मॉडर्नाइज माई सेल्फ बीइंग इंडियन स्टिल, तो थोड़ा सा अपने लुक के साथ प्ले किया है, तो आई होप यू गाइज लाइक इट. Oh yes, I wish ZTV a very happy 30th anniversary. Bhagwan kare that they reach the highest levels in life. Ye 30 Bhagwan kare aur zyada bade, and I'm looking for a century very soon. सच कहूँ तो बहुत इमोशनल होती हूँ जब मुझे मैसेजेस आते हैं और मेरे फैंस कहते हैं कि वी लव राखी माँ, बिकॉज़ मेरा इमोशंस जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो मुझे एक्चुअली ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असलियत में इन रियल लाइफ मैं वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ. तो आई फील अब जो मेरा किरदार अर्जुन के साथ निखर के आया है एक माँ का, दैट आई एम overwhelmed with my son, so I'm really very happy and thank you guys for all your love and support, kyunki hum agar yahan hain to aap log ki wajah se hum yahan hain. Thank you and keep appreciating us. Thank you, thank you. हाय बोलो, हाय. चलिए मैं बाइट करता हूँ, आइए. फर्स्टली जी इसके अवार्ड के बारे में क्या कह रहे हैं, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला अवार्ड नाइट है और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मैं अवार्ड नाइट कब भी तो अवार्ड्स में जाऊँ, और आज जब मैं जी कुटुंब में जुड़ चुकी हूँ और इन्हीं का अवार्ड फंक्शन है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बट एट द सेम टाइम मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस है, क्या सब होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, तो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशन्स कि 30 ईयर्स हो चुके हैं और मैं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं खुद भी बहुत खुश हूँ कि मैं उनके 30 ईयर्स पे मैं भी उनका पार्ट बन चुकी हूँ, तो काफ़ी खुशी का मौका है मेरे लिए भी. आपका अवतार काफ़ी प्यारा और आप बहुत ही क्यूट लग रही है, अवतार के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? थैंक यू सो मच. अब राधा है तो वही लहंगा है, वही ज्वेलरीज हैं, वही चोटी है, बट एट द सेम टाइम उस चीज़ में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्योंकि अवार्ड नाइट्स है ऑब्वियसली, तो थोड़ा तो राधा भी सज धज कर आएगी सबकी तरह, तो यस वही है. प्यार काफ़ी मिलता है शो की शुरुआत ही प्यार से, तो आपके किरदार को काफ़ी प्यार मिलता है, उसके बारे में सोचा नहीं था कि आप सब इतना प्यार देंगे, ऑडियंस इतना प्यार देगी, बट हाँ बाकी बिहार जी का आशीर्वाद है और आप सबकी ब्लेसिंग्स और प्यार इतना आ चुका है कि हमें तो ऐसा लगता है कि और भी मेहनत करें आप सबके लिए, आप सबको और अच्छे एपिसोड्स दें, उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. साथ चलो आ जाओ, बिना कुछ है One more year. Okay. Second one.
अब क्या होगा, अब इधर आना है, आ जाओ आ जाओ, बोल लो हाँ इधर ओके हो गया ओके थैंक यू एक बड़ा हाय हाँ जी अरे मैडम